स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। नागपुर जिले के सरदार नगर विकास खंड बखाड़ा में टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर व गोरखपुर जिले से कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें कड़ी टक्कर के बाद देवरिया की एक विश्वनपुरा की टीम ने अपनी जगह बनाई थी। फाइनल मुकाबला मैच के मुख्य अतिथि सुनील पासवान ने फीता काटकर टीम के कैप्टन सहित सभी खिलाड़ियों से परिचय करते हुए कहा कि खिलाड़ी हमेशा ही अपने शरीर से स्वस्थ होता है। हर खिलाड़ी को अपने खेल के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ खेलना चाहिए। आप लोग कड़ी मेहनत एवं लगन से अपने खेल पर ध्यान देंगे तो आप में कोई भी खिलाड़ी बड़े स्तर पर चयन होकर अपना व अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। किसी भी खिलाड़ी को यह उनके खेल में कोई समस्या होती है तो वह बेहिचक हमसे बात कर अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं हर संभव मदद करने का प्रयास करूँगा। मौसम खराब होने के कारण मैच नहीं हो पाया है। एम्पोर ने नियमानुसार दोनों टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। देवरिया के विकास मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया, वहीं मैन ऑफ द सीरीज पर विकास कुमार को ही चुना गया। कमेटी ने फाइनल में दोनों टीमों को 8,000 रुपए नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जो बखाड़ क्रिकेट क्लब की तरफ से आयोजित क्रिकेट कराया गया है, उन सभी अपने युवा शक्ति को मैं नमन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। शुभकामनाएं इस बात का देता हूँ, ये धरती आम धरती नहीं है, बखाड़ का खुद अपने आप में पहचान है। गोरखपुर जनपद का ये बखाड़ क्रांतिकारी सब, जैसा कि चोरी चोरा विधानसभा आपने बहुत पहले से जानता होगा, जो देश की स्वतंत्रता स्वाधीनता में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सभी अपने युवा शक्ति का अहम भूमिका बनी रहती है। इस क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए जनपद देवरिया के सभी अपने दोनों टीम के कैप्टन व उनके साथ आए हुए सभी अपने खिलाड़ी और खासतौर से एम्पायर महोदय को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस धरती को सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, इस पूर्वांचल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे संपूर्ण देश में, भारत देश में अपना नाम रोशन करने का काम करिएगा। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस बात को जरूर कमेटी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि इस युवा शक्ति जो लवरेज है इस कार्यक्रम में उत्साह वर्धन के लिए, अगर हम उनके प्रति कुछ अपनी योगदान सहभागिता अगर सुनिश्चित नहीं कराएंगे तो कहीं कहीं से आपका जो कदम आगे की तरफ जो बढ़ रहा है वो कहीं कहीं से ब्रेक होगा। इस उत्साह वर्धन के लिए इस युवा कमेटी, इस बखाड़ क्रिकेट क्लब को मेरे तरफ से 5,001 रुपए का इस सहयोग सहभागिता है। और चाहे इस समय आज फाइनल क्रिकेट हो या कल